इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से रिट पिटीशन दाखिल की है कि उनको फौरन अडियाला जेल वापस शिफ्ट कराया जाए और जो बनीगाला का सब जेल का नोटिफिकेशन है उसको टर्न डाउन किया जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी खवातीन 9 मई के बाद से जेलों में हैं, तो बुशरा बीबी साहिबा कह रही है कि वो भी जेल ही में रहना चाहिए। उन्होंने ना कोई दरख्वास्त की थी कि उन्हें सब जेल बनीगाला को बनाया जाए और ना ही उन्हें ऐसी कोई फैसिलिटी चाहिए। और हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरिट पे फैसले हो, मेरिट पे वो फैसले कर नहीं रहे हैं तो हमें ऐसी मेहरबानियाँ नहीं चाहिए जिससे कोई बयानिया बनाए। तो इसलिए हमने दरख्वास्त की है कल ही ये पिटीशन फिक्स की जाए और हमारी इस्तेदा सुनी जाए और उनको वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी जान को शदीद खतरा है। और हमें इत्तला आ रही है पिछले 2-3 दिनों से कि बनीगाला में इरेगुलर मूवमेंट हो रही है, जो मशकूक और नामालूम लोग हैं, क्योंकि बनीगाला में कोई भी अलाउ नहीं है। अगर वो सब जेल है तो फिर कैसे ये मशकूक और नामालूम लोग इन आउट कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से रिट पिटीशन दाखिल की है कि उनको फौरन अडियाला जेल वापस शिफ्ट कराया जाए और जो बनीगाला का सब जेल का नोटिफिकेशन है उसको टर्न डाउन किया जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी खवातीन 9 मई के बाद से जेलों में हैं, तो बुशरा बीबी साहिबा कह रही है कि वो भी जेल ही में रहना चाहिए। उन्होंने ना कोई दरख्वास्त की थी कि उन्हें सब जेल बनीगाला को बनाया जाए और ना ही उन्हें ऐसी कोई फैसिलिटी चाहिए। और हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरिट पे फैसले हो, मेरिट पे वो फैसले कर नहीं रहे हैं तो हमें ऐसी मेहरबानियाँ नहीं चाहिए जिससे कोई बयानियाँ बनाए। तो इसलिए हमने दरख्वास्त की है कल ही ये पिटीशन फिक्स की जाए और हमारी इस्तेदा सुनी जाए और उनको वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी जान को शदीद खतरा है। और हमें इत्तला आ रही है पिछले 2-3 दिनों से कि बनीगाला में इरेगुलर मूवमेंट हो रही है, जो मशकूक और नामालूम लोग हैं, क्योंकि बनीगाला में कोई भी अलाउ नहीं है। अगर वो सब जेल है तो फिर कैसे ये मशकूक और नामालूम लोग इन आउट कर रहे हैं। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।